ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा हूँ। कि मैंने अधिकतर देखा है लोग लीवर की बीमारी से ग्रसित हैं, किसी का फैटी लीवर है, किसी के खाना नहीं पचता, किसी को कब्ज रहता है, किसी को भूख नहीं लगता है, किसी को गुर्दे में प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों का संबंध हमारे भोजन से और आपस में इनका आपसी संबंध भी है। किडनी ओवरलोडेड होगी, लीवर पे लोड पड़ेगा, लीवर पे लोड पड़ेगा तो हार्ट पे पड़ेगा, हार्ट पे पड़ेगा तो फेफड़े पे। तो हमें अपने लीवर और किडनी को संभाल के रखना है, और हम जो खाएं उनसे रस जो निकलता है वो हमारे शरीर को लगे, जिससे कि बाकी हमारी धातुएं बने और हमारी सब धातुएं पुष्ट हों। तो इसके लिए देखिए, लीवर की कोई भी बीमारी है, यहाँ तक कि आपको पीलिया भी है, चाहे वो जॉइंटिक्स नॉर्मल हो या हेपेटाइटिक्स हो, बी सी कुछ भी, तो उसमें मैं कम्बिनेशन बताऊंगा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जिन महिलाओं को आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है लीवर की प्रॉब्लम से या पीलिया से कम दिखाई देने लगता है, ऐसे भी केस आया मेरे पास, उसमें भी इसने लाभ पहुँचाया है। उसमें एक ही हम देते हैं और एक प्लान तक चूर्ण बनाते हैं, जिसमें पुनर्मा मकोए भूमि आंवला कासनी कुटकी ये सब चीज़ें और भी ऐसी 6-7 जड़ी बूटियां हैं जो आसानी से मिल जाती हैं और कोई हानिकारक नहीं है। सब वनस्पति पे ही कार्य करते हैं, वनस्पति हैं मतलब, और अच्छा कार्य करती हैं। उसके काढ़े को सुबह शाम लें, और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका हम 3-3 ml, यानी 3-3 ml नहीं, 3-3 चम्मच, उतना ही पानी मिला करके भोजन के बाद लेते हैं तो हमारे लीवर की सब प्रॉब्लम चली जाती हैं। जिसमें आपको मैं बताऊं, ये पुनर्वारिष्ठ, जितने भी आयुर्वेद के लोग होंगे, अगर लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है तो पुनर्वारिष्ठ जरूर डालेंगे। ये आप किसी अच्छी कंपनी के लिए, झंडू बैद्यनाथ या जो भी आपकी पुरानी कंपनियाँ, उनका आप ले सकते हैं पुनर्वारिष्ठ, तो ये सही है पुनर्वारिष्ठ। दूसरी इसमें है रोहितकारिष्ठ का, अच्छा बैद्यनाथ की जो रोहितकारिष्ठ और पुनर्वारिष्ठ होती है, इस पर एक्सपायरी डेट नहीं होती, आपको मैं बता दूँ, जितना पुराना होगा उतना अच्छा ही ये काम करती है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये रोहितकारिष्ठ है, तो ये रोहितकारिष्ठ हो गई। तीसरा इसमें हमने कम्बिनेशन लिया था कुमारी आसा, तो इन तीनों का बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन चलता है और बहुत ही लीवर किडनी सारी प्रॉब्लम को दूर करती है। तो आप ये तीनों शीशियाँ ले लें, तीनों में से 3-3 चम्मच लेना है, उतना ही पानी मिलाइएगा। अगर जाड़ों का सीजन है थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिएगा, गर्मी का सीजन है तो आप नॉर्मल ताज़ा पानी ले सकते हैं, और इसको भोजन के 2-3 मिनट बाद ही ले लें, तो आप देखेंगे आपका जो भी भोजन कर रहे हैं वो पचेगा, गैस और कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी, किडनी की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आपका फैटी लीवर है वो ख़त्म होगा, कोलेस्ट्रॉल है वो भी धीरे धीरे कम होगा, साथ में आपके जो ESR या ब्लड में इन्फेक्शन है किसी प्रकार का वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये 3 महीने तक लेते रहिए लगातार, ठीक हो गया तो भी लेते रहिएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, अगर दोबारा जरूरत पड़ती तो लें, अन्यथा ना लें। तो आप 3 महीने, या रिजल्ट तो आपको 15-20 दिन में ही मिल जाएगा, लेकिन आप इसको 2-3 महीने ले लें तो बढ़िया है। और अगर नॉर्मल लीवर की प्रॉब्लम रहती है, भूखों की नहीं लगती है, तो आप कुमारी आसा और पुनर्वारिष्ठ भी ले सकते हैं, रोहितकारिष्ठ ना भी ले तो चलेगा, लेकिन जिनको हेपेटाइटिक्स या जॉइंटिक्स है तो वो तीनों ही लेना कंपलसरी है। और इसका रिजल्ट मैं पिछले 2 साल से लोगों को रिकमेंड करता हूँ, बताता हूँ, तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसलिए आप लोगों को पुनः बता रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने जो लोकल के वैद्य या जो हमारे चिकित्सक हैं आयुर्वेद चिकित्सक, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, और जैसा आपको बताएं वैसा करिएगा, और निश्चित ही लाभ मिलेगा। और नहीं तो आप इन तीनों को ले भी सकते हैं, मेडिकल से पूरे इंडिया में मिल जाता है, और ये पुनर्वारिष्ठ तो रामबाण ही है हमारी किडनी और लीवर के लिए, क्योंकि इसका पंचांग, और मैंने इसे अपने खेतों में पुनर्वा को उगाया और वहाँ से जड़ और मैंने पंचांग दिया, लोगों को उबालना और उसको काढ़ा बनाना ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम लगता है, लोगों पे समय नहीं है, तो वो लोग पूछते हैं मैं मेडिकल से दवाई बता दो जो हम ले लें और ठीक हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम कर रही हैं कि लोग बच रहे हैं काढ़ा वाढ़ा बनाने से, तो इन चीज़ों का आप ले सकते हैं।
और इसके साथ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को, हेपेटाइटिस वगैरह है, तो वो इसके साथ पिलांतक चूर्ण लेगा, और सुबह आंवले का पाउडर और शाम को गिलोय का रस। यानी जितने भी जॉइंटिक्स या हेपेटाइटिस वाले प्रॉब्लम है, मरीज हैं जिनका ठीक नहीं हो रहा है, तो सुबह उन्हें आंवला खाना है, और दोनों तीनों टाइम भोजन के बाद ये तीनों चीज़ लेनी है। शाम को 5-6 बजे गिलोय का काढ़ा लेना है। आप देखिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर साथ में जैसे हम हेपेटाइटिस है और काफ़ी आप इलाज कर चुके नहीं सही हो रहा है, तो उसमें सोना पाटा की छाल का काढ़ा भी ले सकते हैं, तो वो भी महीने में या सप्ताह में 2 या 3 दिन लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलना ही मिलना है। यानी लीवर से संबंधित बीमारी हुई तो ये हमारा काम करेगा, उसी से संबंधित सारे रोग उत्पन्न होते हैं। लीवर हमारा थोड़ा सा भी ख़राब हुआ तो हार्ट पर असर पड़ता है, आपको बता दूँ, क्योंकि लीवर हमारा नया ब्लड बनाता है और पुराने ब्लड को जो डेड हो जाते हैं सेल उनको हटाता है। लेकिन अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो वो सारा गंदा ब्लड जाएगा हार्ट पे, और वहाँ कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है जिसे बाईपास सर्जरी करना पड़ता है, या फिर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बीपी बढ़ता है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है। तो ये मुझे जितना ज्ञात था मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और ज्ञानप्रद है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।